assalamu alaikum students today we are going to start our second topic of our first chapter heating and cooling that is transfer of heat there are three modes of transfer of heat conduction convection and radiation what is conduction conduction is the transfer of heat through metal transfer of heat through metals metals say heat ka transfer hona कंडक्शन कहलाता है फॉर सपोज एक हॉट पैन है उसमें आप सूप बना रहे हैं तो स्पून से आप उस सूप को स्टिर कर रहे हैं स्टिर करते करते उस हॉट सूप से आहिस्ता आहिस्ता हीट आपके स्पून से होते हुए आपकी फिंगर्स को भी फील होगी और आप अपना हाथ हटा लेंगे तो कंडक्शन है ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू मेटल्स मेटल्स के पार्टिकल्स के ज़रिए हीट कंडक्ट होते होते आपके हैंड्स तक जाती है इस ये ट्रांसफर ऑफ हीट क्या कहलाता है कंडक्शन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वी नो प्लास्टिक्स हो गई ग्लास हो गई एयर फर फीदर्स wool these all things are bad conductors poor conductors of heat poor conductors these poor conductors are called these poor conductors are called insulators yes these poor conductors are called insulator metals are good conductors plastics glass air fur feather wool are bad conductors so they are called bad conductors are called insulators next we get to know about what is conduction and the kinetic theory conduction and the kinetic theory for suppose you take one metallic bar as we know matter is made up of particles this bar contains particles atoms when you start heating one side of bar after some time heat will move till the next end of the bar how it possible particles जिन्हें स्टार्ट में हीट मिल रही है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और वाइब्रेशन से दूसरे पार्टिकल में हीट ट्रांसफ़र करते हैं इस तरह हर दूसरा पार्टिकल हर नेक्स्ट पार्टिकल वाइब्रेट करता है और अपने साथ वाले पार्टिकल में हीट ट्रांसफ़र करता है बेसिकली पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं हो रहे एटम्स ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हीट इन एटम्स में से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू कंडक्शन मेटल्स में कंडक्शन होती है मेटल्स टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स में इतना गैप नहीं होता वो टाइटली पैक्ड होते हैं तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट ट्रांसफर होती है और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मेटल्स में हीट ट्रांसफर हो जाती है बाय कंडक्शन बाय कंडक्शन कॉपर इज अ बेस्ट कंडक्टर इट कंडक्ट्स हीट टेन टाइम्स बेटर देन आयरन आयरन से टेन टाइम्स मोर जो है वो कॉपर हीट कंडक्ट करते हैं इसलिए कॉपर की वायर्स यूज होती हैं घर में घरों में जो वायरिंग की जाती है इलेक्ट्रिसिटी की उसमें कॉपर वायर्स यूज़ की जाती हैं तो वो बहुत अच्छा कंडक्ट करती हैं व्हेन ही ट्रेवल्स बाय कंडक्शन द एनर्जी इज़ पास फ्रॉम वन एटम टू द नेक्स्ट इट इज़ द हीट दैट फ्लोज नॉट द हीटेड एटम हीटेड एटम्स नहीं होते जो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं बेसिकली हीट ट्रांसफ़र हो रही है।